हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और अभी हम सब लोग हैं रास्ते में, हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो आप लोगों को भी ना, अगर माता रानी के दर्शन करने हो तो आप लोग कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं ना मंदिर आई हूँ, चंद्रिका देवी के मंदिर। तो आप लोगों को दर्शन करना हो तो आप कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रुके थे, और यहाँ से फिर हम लोगों ने जो प्रसाद का सामान था, फूल वगैरह, चुनरी और प्रसाद का मतलब जो भी सामान था ना, वो हम लोगों ने यहाँ से ले लिया है। और अभी ये है मंदिर का फ्रंट, जो पीछे से सनलाइट आ रही है ना, आप देख रहे हो ना, यहाँ से जब भी सनलाइट आती है ना, जब भी सूरज उगता है तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी हम लोग सुबह सुबह आए हैं ना, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड है। अच्छे से आप देख रहे हो ना, धूप भी नहीं खुली है, पीछे से बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था नज़ारा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और जब भी आप देख सकते हो ना, गंगा जी में जब ये सनलाइट पड़ती है तो कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। और यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, तो अभी आपको यहाँ का पूरा नज़ारा एक बार मैं अच्छे से दिखाऊंगी। उसके बाद जब मैं ऊपर जाऊंगी, यानी कि मंदिर जाऊंगी ना, तो वहाँ से भी मैं आपको फिर से एक बार पूरा यहाँ का जो व्यू है वो मैं दिखाऊंगी, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ पे ना बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे इस मंदिर में दर्शन करने। और इसकी बेस्ट बात है ना कि जस्ट पीछे यहाँ पे गंगा जी हैं, तो जिनको गंगा नहाना होता है वो लोग यहाँ पे आते हैं। और ये आंटी को आप देख रहे हो कैसे डुबकी लगा रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे ना आ रही है। तो खैर, यहाँ पे ना अभी न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे लोग आए हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हैं, और काफ़ी क्राउड था मंदिर में। तो अभी हम लोग पीछे की तरफ से एंटर कर रहे हैं, तो मैं आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी, पूरा दर्शन करवाऊंगी आपको माता रानी के। तो आप लोग भी दर्शन कर लेना, और हो सकता है आप में से कई लोग यहाँ पे आए भी हों, तो जो लोग नहीं आए हैं वो लोग आप दर्शन कर लो मेरे साथ में चंद्रिका माता के, और जो लोग आए हैं वो सेकेंड टाइम पर दर्शन कर ले। तो ये मैंने आपको बताया ना, ये जो मंदिर है ये बक्सर में है, और जो बक्सर है वो उन्नाव में है, और उन्नाव मतलब उन्नाव में मैं रहती हूँ। तो ये ना मेरे घर से अराउंड 34 या 35 किलोमीटर पे है। तो हम लोग आज यहाँ पे आए हैं दर्शन करने, और ये है मंदिर जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं क्या बताऊँ इसकी, जितनी तारीफ़ करो ना, मतलब मंदिर तो सुंदर होते ही है। यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, मतलब कितना भी क्राउड हो ना, लेकिन एक मन को अंदर से बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे आके। और अभी हम लोग जैसे कि ऊपर आ गए हैं, तो ऊपर से मैं एक बार फिर से ना आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ, पूरा नज़ारा यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये है मंदिर, और मंदिर में आपको ये पीपल का पेड़ मिलेगा। आप जैसे ही पीछे की साइड से आओगे ना, तो ये बहुत बड़ा, बहुत ही पुराना जो पीपल का पेड़ है ना, और आप देख रहे हो ना यहाँ पे कितनी ज़्यादा यहाँ पे चुनरी बंधी हुई है। तो यहाँ पे जो लोग मन्नत मांगते हैं ना, जिनको मन्नत वगैरह मांगनी होती है, वो यहाँ पे मन्नत मांगते हैं, और उसके बाद जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है, तो यहाँ पे फिर से आके, यहाँ पे आके चुनरी को खोलते हैं, और उसके बाद ऐसे नारियल फोड़ते हैं, और बस ऐसा ही होता है। आगे से फिर हम आपको ले चलेंगे यहाँ पे, जो गंगा माता है उनकी भी यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है। तो आप ये देख रहे हो ना, पवन तन है मंदिर, साइड में ना इसके जस्ट हनुमान मंदिर है, और सामने ये जो आप देख रहे हो ना सीढ़ियाँ, यहाँ से चढ़ के हम जाएंगे तो अंदर है चंद्रिका माता की मूर्ति, वहाँ हम दर्शन करेंगे। और ये जो नीचे की तरफ सीढ़ियाँ हैं ना, ये गंगा की तरफ जाती हैं, और ये जो श्री गंगा माता है, ये है गंगा माता हमारी। तो दर्शन कर लो आप लोग भी, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो टीका लगाते हैं, तो बस मैंने वही थोड़े बहुत पैसे इनको दे दिए। तो ये है माता रानी, तो आप लोगों ने इनके दर्शन कर लिए है ना। फिर पीछे आप देख सकते हो, इसके जस्ट साइड में ना हनुमान मंदिर है, और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे जहाँ पर चंद्रिका माता का मंदिर है। तो वहाँ पर मैं दिखाऊँगी, अगर वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड होगा ना, फ़ोन ले जाना, तो वहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँगी। वैसे मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है कि फ़ोन मंदिर में ऐसे यूज करो, अच्छा नहीं लगता है ना, फ़ोटो वगैरह क्लिक करो। तो अभी हम लोग जैसे आ गए हैं यहाँ पे चंद्रिका माता के मंदिर, तो अंदर आप देख रहे हो ना, मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा दूँगी। ये है चंद्रिका माता, तो दर्शन कर लो आप लोग भी, और बस बहुत सौभाग्य से दर्शन करने को मिलता है। तो ये सामने दान पेटी है, उसके बाद ये मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, ये जो मेन गेट है ना, इनके दोनों साइड में ऐसे शेर बने हुए हैं। और बस पूजा वगैरह हम लोगों की अच्छे से हो गई थी, तो फिर अभी मैं वापस आ रही हूँ, और थोड़ा सा मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में आप देख रहे हो ना बहुत दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैं तो धीरे धीरे आ रही थी। और हम सब ने अच्छे से दर्शन कर लिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, मतलब जहाँ से पीछे वाली गली से हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं, क्योंकि वहीं पे ना सैंडल वगैरह हम लोगों ने उतारी थी,
तो ये है पीछे का रास्ता जहाँ पे सारा सामान मिलता है। और बस पूजा वगैरह करने के बाद तो बहुत जोर की भूख लगी थी हम लोगों को, तो ये है चाट वाले अंकल जी जो कि बहुत अच्छी चाट बनाते हैं यहाँ पे। हम लोग जब भी आते हैं ना तो यहीं पे खाते हैं। और आप क्राउड को देख सकते हो ना, न्यू ईयर की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। और वैसे भी ना ये जो मंदिर है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, इस वजह से अक्सर यहाँ पे ना इतना ही क्राउड आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और बस ये है कि दर्शन वगैरह ना अच्छे से हो जाते हैं, तो अभी हम लोग चाट खाएंगे, ये दही वाली चाट, और उसके बाद फिर हम लोग अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ की हिस्ट्री तो आपने पढ़ी होगी ना, बक्सर की, ये है राजा राव राम बक्स जो कि आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी।